जिसकी इनके लवाहिकी इनके साथ गम में बराबर के शरीक हैं। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता दूं, ये कोई पार्टी है, एक गैंगस्टर हैं, इनका ताल्लुक दालबंदीन से है, उसी एरिया से हैं। ये तकरीबन कोई कंजेक्टिव उसकी दुकान पे आते रहे, उसके वालिद साहब और जो इसका ये बच्चा है, कि जी हमें जेवर, और जेवर उन्होंने पसंद किए, फिर करते सारा से इसको 10-15 दिन तक ये प्रैक्टिस उनकी रही। लास्ट डे क्या हुआ कि उसने पैक करके जेवर वगैरह रखे हुए थे, तो इसने कहा कि जेवर दे दो, उसने कहा कि ये पैसे, कहते जी वो मेरे हवाले से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, आप शायद बैकग्राउंड में शायद ईरान की तरफ उनकी कोई ये गैंग का लिंक है, ईरान की एरिया से किसी से, तो हवाले, उसने कहा नहीं जी आप पैसे ले आए, हवाले से आए, तो फिर इस असना में वो जो है ना उसको शूट करता है और वो जेवर वगैरह उठा के ले जाता है, निकल गए। चूँकि मैं ज़ाती तौर पे वैसे तो गवर्नमेंट और ज़ाती तौर पे फिर भी इन्वॉल्व हुआ मैं, हाजी अख्तर काकड़ के रिश्तेदार भी हैं ये, तो हम ऑन बोर्ड हैं इस पर, हमने टीमें तश्कील दिलाई हैं, हमने उनकी लोकेशन कराई है। अब सारी चीज़ें, क्योंकि हम इस फ्लोर ऑफ द हाउस बताएंगे तो ये फिर पुलिस की सारी वो सिक्रेसी आउट हो जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें काफ़ी कामयाबी मिली है मौलाना साहब, और इंशाल्लाह इनके कातलों को इंशाल्लाह हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मैं अपनी हुकूमत की तरफ से और ज़ाती तौर पे भी मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ कि इंशाल्लाह, और हमारी जो शुक्रिया के एतराम फोर्सेज हैं वो हर तरीके से तावन कर रही हैं, और हम इंशाल्लाह इनको काफ़ी किरदार तक शुक्रिया पहुंचेंगे। शुक्रिया।